स्काउट गाइड संस्था के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थापक लॉर्ड विलियम पॉल व उनकी पत्नी के जन्मोत्सव पर भारत स्काउट एंड गाइड जनपद गोरखपुर के मुख्यालय पर चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया। संस्थापक लॉर्ड विलियम पॉल व उनकी पत्नी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए स्काउट गाइड के लिए उनके किए हुए कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बजरंग जी थोड़ा सा जैसे लगे थे आप लोग कार्यक्रम उधर देखे सब लोग देखिए वहीं से देखिए बाहर कभी अंदर आइए मुकेश जी भैया नमस्कार। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डिप्टी चीफ कमिश्नर स्काउट एंड गाइड रामजन सिंह ने बताया, आज स्काउट गाइड संस्था के संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थापक लॉर्ड बेडन पावल और उनकी पत्नी दोनों का जन्मदिन है। इसे हम चिंतन दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि आज से बहुत वर्ष पहले 250 वर्ष पहले 22 फरवरी 1857 को 1887 को लॉर्ड बेडन पावल ने चिंता किया कि देश में जो विश्व स्तर पर जो अशांति बढ़ रही है, जो भाईचारा समाप्त हो रहा है, असुरक्षा की भावना हो रही है, अन्य प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई, उनको दूर करने के लिए क्या किया जाए। उन्होंने कहा इसको दूर करने का जो सबसे बड़ा साधन हो सकता है वो हमारे नौनिहाल हमारे बच्चे हो सकते हैं क्योंकि उन्हें ही आज आगे चलकर किसी राष्ट्र का नागरिक होता है। उन्होंने बच्चों को इस क्रिया में प्रशिक्षित करने के लिए, एक सही मनुष्य बनाने के लिए, उनमें मानवता के सारे गुण भरने के लिए, उनमें दया करुणा साहस धैर्य आदि गुणों का बीजारोपण करने के लिए स्काउट गाइड संस्था बनाई और वो संस्था आज विश्व के 184 देशों में है जो विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। उसी दिवस को आज हम चिंतन दिवस के रूप में मना रहे हैं।